What is this strange creature? Dog, pig, dog, pig, dog, loaf of bread. सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनिमेशन मूवीज को जो कि हाल ही में रिलीज की गई है, और इनमें से ऑलमोस्ट मूवीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ा लेट है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्जाम अभी चल रहे थे। आगे से वीडियो अब रेगुलर आएगी, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपकी फेवरेट मूवी आपसे मिस ना हो। और इन सभी मूवीज़ के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप फिर कमेंट में लिखते हो कि मूवीज़ के लिंक कहाँ हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 नूम एलोन। मूवी को रिलीज किया गया था 2017 में, और मूवी का जेनर है कॉमेडी एंड एनिमेशन। 1 घंटे 25 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.6 की रेटिंग दी है। 79% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिल जाएगी कुछ गार्डन नूम्स जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे डायमंड के क्रिएचर से। काफ़ी अच्छी मूवी है और काफ़ी मज़ेदार मूवी भी है, और हिंदी लैंग्वेज में यह मूवी अवेलेबल है, तो दोस्तों इस मूवी को भी आप ज़रूर देखेगा। नंबर 9 प्लेन्स। मूवी को रिलीज किया गया था 2013 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड कॉमेडी। 1 घंटे 32 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.7 की रेटिंग दी है। 72% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। और मूवी में आपको कहानी देखने को मिल जाएगी एक खाक बखेरने वाले प्लेन की जो कि एक रेस में हिस्सा लेना चाहता है। क्या वह रेस में हिस्सा ले पाएगा या नहीं, यह तो आपको मूवी में ही जानना होगा। काफ़ी अच्छी मूवी है और कॉमेडी भी इस मूवी में है, तो आप इस मूवी को भी देख सकते हो। नंबर 8 हंड्रेड परसेंट वुल्फ। मूवी को रिलीज किया गया था 2020 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड एनिमेशन। 1 घंटे 36 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.7 की रेटिंग दिया। 77% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। और मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिल जाएगा एक वेयरवुल्फ का बच्चा जो कि पूरी तरीके से वुल्फ नहीं बन पाता। आगे की कहानी आपको इस मूवी में ही जाननी होगी। मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और कॉमेडी भी है, और आप इस मूवी को देख सकते हो, यह भी हिंदी लैंग्वेज में अब आ चुकी है। नंबर 7 द एंट बली। मूवी को रिलीज किया गया था 2006 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड एडवेंचर। 1 घंटे 30 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.8 की रेटिंग दी है। 71% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। और मूवी की कहानी में आपको देखने को मिल जाएगा एक बच्चा जो कि गलती से आंट की दुनिया में चला जाता है, यानी कि चींटियों की दुनिया में चला जाता है। क्या वह वहाँ पर से वापस आएगा या नहीं, आगे की कहानी तो आपको इस मूवी में ही जाननी होगी। मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और कॉमेडी भी है, आप इस मूवी को भी देख सकते हो, और हिंदी लैंग्वेज में भी यह मूवी अवेलेबल है। नंबर 6 कैप्टन अंडरपैंट्स। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2017 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड कॉमेडी। 1 घंटे 29 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.2 की रेटिंग दी है। 80% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। मूवी की कहानी एकदम जबरदस्त है और मज़ेदार भी है, क्योंकि इस मूवी में आपको एक सुपर हीरो देखने को मिल जाएगा जिसके पास कोई पावर नहीं होती है, पर मूवी के अंत में उसके पास कुछ पावर्स आ जाती है। यह कैसे आती है आपको इस मूवी में ही जाननी होगी। काफ़ी अच्छी और मज़ेदार मूवी है। नंबर 5 टॉम एंड जेरी। मूवी को रिलीज किया गया था 2021 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड कॉमेडी। 1 घंटे 41 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 5.3 की रेटिंग दी है। 86% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। और मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगी टॉम जिसको एक होटल में हायर किया जाता है चूहों को दूर करने के लिए, और इसी बीच में आपको एक बैटल देखने को मिल जाएगी टॉम एंड जेरी की। काफ़ी अच्छी और मज़ेदार मूवी है, आप इस मूवी को भी देख सकते हो, और मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नंबर 4 स्मॉल फुट। मूवी को रिलीज किया गया था 2018 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड कॉमेडी। 1 घंटे 49 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 6.6 की रेटिंग दी है। 86% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए हैं। और मूवी की कहानी में आपको देखने को मिल जाएगा हिमानो जो कि ह्यूमन की खोज में अपने पहाड़ों से नीचे आता है, क्योंकि उसको वहाँ पर उसकी अलग ही दुनिया होती है, और वो सोचता है कि ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, एक कमाल की कॉमेडी मूवी है और हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नंबर 3 द कुड्स एनीवेज। मूवी को रिलीज किया गया था 2020 में, और मूवी का जेनर है फैमिली एंड एडवेंचर। 1 घंटे 35 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 7 की रेटिंग दी है। 83% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दिए गए। और मूवी की स्टोरी में आपको देखने को मिल जाएगी कुड्स फैमिली जो कि एक अपना होम ढूंढती है। काफ़ी अच्छी और मज़ेदार मूवी है, और मूवी में आपको एडवेंचर भी देखने को मिल जाएगा, और साथ ही यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में डब हो चुकी है, वो भी अनऑफिशियल, तो आप इस मूवी को भी देख सकते हो।
नंबर टू राया एंड द लास्ट ड्रैगन। मूवी को रिलीज किया गया था सन 2021 में और मूवी का जेंडर है फैंटेसी एंड फैमिली। 1 घंटे 57 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 7.6 की रेटिंग दी है। 85% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए। और मूवी में आपको कहानी देखने को मिल जाएगी राया की, जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एक ड्रैगन के साथ, वो भी किससे, डूम से, जो कि एक क्रिएचर होते हैं जिनको छूने से ही आदमी पत्थर का बन जाता है। काफ़ी अच्छी मज़ेदार मूवी है। अनफॉर्चुनेटली यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस मूवी को हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हो। और जब भी यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नंबर वन सोल। मूवी को रिलीज किया गया था सन 2020 में और मूवी का जेंडर है फैमिली एंड कॉमेडी। 1 घंटे 47 मिनट की मूवी है जिसको IMDb ने 10 में से 8.1 की रेटिंग दी है और 93% के लाइक इस मूवी को गूगल जस्ट द्वारा दे गए हैं। और मूवी में आपको कहानी देखने को मिल जाएगी एक जैज म्यूजिशियन की, जो कि बहुत जल्द ही मर जाता है और वह सोल वर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन वह वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर बहुत सी ऐसी हरकतें करता है जो कि आपको मूवी में ही जाननी चाहिए। और काफ़ी अच्छी मूवी है और यह मूवी भी अनऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज में आ चुकी है, आप इस मूवी को भी देख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई अगली वीडियो में। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।